मैं माता रानी की कसम खा के कहती हूँ कि मैं ही साइना शाह हूँ और यही मेरी जिंदगी का सच है। मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ साहिल के खिलाफ। मैं जानती हूँ आप सब ये सब सुन के शॉक हो गए होंगे, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मैं माता रानी की कसम कभी झूठी नहीं खाऊंगी कि मैं ही साहिल शाह की बीवी शाइना शाह हूँ। अगर तुम शाइना शाह हो मतलब कि तुम तो डॉन की बीवी हो, तुम्हें किस बात की कमी है? तुम इस घर में हाउस हेल्प बन के क्यों रहोगी? हाँ, वो तब होता जब मैं उसके साथ होती। मैं तो मर चुकी हूँ साहिल के लिए। मतलब मर चुकी हूँ मतलब? जब मेरी साहिल से शादी हुई थी तो वो कोई डॉन नहीं था, वो ये छोटे मोटे इलीगल काम करता था। मैं उसको बहुत समझाती थी, बहुत रोका, लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं सुनता था। फिर उसने मेरे नाम पे एक बिजनेस किया। बिजनेस तो बस एक बहाना था, वो इसके पीछे सब गैर कानूनी काम करता था। मैं उससे खुश नहीं थी। मैंने उसे बोल दिया कि मुझे तुम्हारे काले धंधे के पैसे नहीं चाहिए। चाइना, चाइना। हाँ, आ गई आ गई। क्या हुआ? क्या हुआ? तू बैठ आराम से। तेरे लिए रखना। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से है? और चाहिए तो और रखना। ले। अरे ये सब छोड़, कहाँ से आए, कैसे आए? वो मैंने तुझसे कहा था ना, तेरे नाम पे एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, ये सोच के वहीं से आया। क्या हुआ, और चाहिए? नहीं चाहिए तुम्हारे ये पैसे। तुम्हारे इस हराम की कमाई पे मैं बिल्कुल नहीं हाथ लगाऊंगी। नहीं चाहिए? नहीं। सोच ले। सोच लिया मैंने। ठीक है, मत ले, तेरी मर्जी। तेरे लिए लेके आया था मैं तुम। अगर तुम्हें ये सब कुछ पता था तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? इतना आसान नहीं था, पुलिस के पास मैं नहीं जा सकती थी, और इसलिए मैंने साहिल से अलग होने का डिसीजन लिया और उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। ये कीमत चुकाई मैंने उसके खिलाफ जाने की। उसने मुझे जला के मारने की कोशिश की है। बचाओ, बचाओ, हेल्प, प्लीज हेल्प मी, प्लीज बचाओ। साहिल को नहीं पता था कि मैं बच गई हूँ। उससे बचने के लिए मैंने अपना नाम चेंज कर लिया। बहुत बुरे दिन देखे मैंने, पर मैं लड़ती रही। फिर बहुत दिन बाद मुझे आप जैसा घर मिला, जहाँ मुझे इज्जत, प्यार, सब कुछ। लेकिन उस दिन अब जब साहिल और शाइना के बारे में बात करते, मैं हैरान रह गई। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो माफ कीजिए, वो मेरे से गलती से गिर गया था। मुझे इस बात की हैरानी नहीं है कि वो आप जैसे निर्दोष लोगों को तंग कर रहा है। हैरानी तो इस बात की है कि वो इशिता जी को फंसाने के लिए अपनी मरी हुई बेटी का नाम यूज कर रहा है। इसलिए उस दिन मैंने मनीष की माँ का नंबर आपके लिए नोट पे छोड़ दिया, ये आपको वहाँ से मदद मिले। तुम सुन रही थी उस दिन, मुझे शक हुआ था, पर मुझे तुम दिखी नहीं थी। I don't know, तुम्हारी जान खतरे में डाल के हम, और we can't do that, sorry. मैं जानती हूँ, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसको अब आपके परिवार को तकलीफ नहीं पहुँचाने दूंगी। बहुत हो गया, मैंने बहुत रो लिया है, पर अब रोने की उसकी बारी है। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? नहीं नहीं, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुमने बहुत सहा है जिंदगी में, तुम्हें जरूरत नहीं है हमारी मदद करने की। नहीं इशिता जी, मुझे उसको रोकना होगा। वो आदमी किसी की जान की कदर नहीं करता। आप मुझे कमिश्नर के पास लेकर चलिए, मैं गवाही देना चाहती हूँ। अगर तुम हमारी मदद करने को तैयार हो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा।
पहले हमने रोहन को खो दिया है, लेकिन अब और किसी की जान नहीं जाएगी। ये मैं अपने लिए भी कर रही हूँ रमन जी, एक चांस मिला है और मैं उसको खोना नहीं चाहती हूँ। आप चलिए, इससे पहले साहिल कुछ करे हमें उसे रोकना होगा। आप क्या सोच रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी, चलिए मेरे साथ। मंदिर जाने से मन शांत रहता है ना? क्या हुआ, तुम्हें भगवान पे विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं इन सब बातों में उतना विश्वास नहीं करती। ऐसा नहीं बोलती, भगवान सबकी इच्छा पूरी करता है। तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए। ये तो इशिता जी और रमन जी थे, और ये हेतल बेन भी थी उनके साथ। हाँ, वो हेतल एनजीओ से आई है ना, और अभी ईशु के घर में काम कर रही है, तो कुछ फॉर्मेलिटी होगी एनजीओ की। सही बात है, यही होगा। चलो देखो, दादू और दादी को इस बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। हो गया, अच्छा सो के प्लान काम कर जाए, और वैसे भी आखिरी प्लान है, और इस प्लान के बारे में नेहा को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अगर उसे पता चल गया ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पता नहीं क्या करना चाहती हो। एक बार ये साहिल का किस्सा खत्म हो जाए, फिर मैं इन दोनों को पुलिस के पास ले जा सकती हूँ। मैं और पार्टी मंदिर गए थे, ये लो प्रसाद। बहुत सुकून मिलता है मंदिर जाके। सीमी दीदी, आपको भी जाना चाहिए, ये लो प्रसाद। थैंक्स नेहा। मसाज कर देती हूँ, ठीक है, फिर एकदम ठीक हो जाओगे आप। एक मिनट, नेहा करेगी ना मसाज? मैं? हाँ, तुम फिजियो हो ना, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता है कि कैसे पेन कम होगी, कहाँ पे दबाना है, क्या करना है। अरे चिट्टी यार, उससे हेल्प क्यों लेनी है, मैं हेल्प कर देता हूँ ना। तू वैसे भी मेरे को मसाज करनी बहुत अच्छी है, मेरी पार्टी है तो मैं करूंगा ना हेल्प। हाँ, तो, मैं कर मैं कर हाँ, मैं काम कर, तो साथ में लेके चलते हैं पार्टी। मैं कर लूंगी मसाज, तुम लोगों को नहीं आएगा ये सब। वैसे योग, तुम तो मेरी हेल्प कर सकते हो ना? हाँ, क्यों नहीं। चलो चलो, आराम से आराम से आराम से, आ जाओ, चलो धीरे धीरे लेके संभाल के। हाँ रूही, इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अटेंड करके आता हूँ, तुम पार्टी को ले जाओ। पार्टी, हाँ जो, और तुम जरा ध्यान से करना, आ रहा हूँ मैं। आराम से। थैंक गॉड ये गई। अब बस हेतु का स्टेटमेंट मिल जाए और साहिल जेल के अंदर जाए बस। मुझे तो उस बात की भी फिक्र हो रही है। प्रभु, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पापा और रेशमा है ना, कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली, हम कुछ होने नहीं देंगे हेतल को, हम है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं कमिश्नर्स ऑफिस जाता हूँ, शायद पापा को हमें जरूरत हो। करण एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। करण, मैं भी चलूँ तुम लोगों के साथ? युग, तुम यहीं रहो, हम सब नहीं जा सकते, किसी को घर पे रहना जरूरी है, यू स्टे हियर, ओके, हम आते हैं। चलो। हाँ, चलो।
ये तो बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि साहिल शाह की किसी भी फाइल में ये बात कहीं भी मेंशन नहीं है कि उसकी वाइफ जलकर मर गई थी। यही तो उसकी चालाकी है, वो बस वही खबर पुलिस तक पहुंचने देता है जो कि वो चाहता है। ओहो, तो सारे ड्रामे के पीछे मनीष की माँ है। रमन और ऋषिता मनीष की माँ तक पहुंचे कैसे? पद्मा ठाकुर है जिसने रमन और ऋषिता की मदद की है। समझ गया। मुन्ना जी भाई, मनीष की माँ को लेकर आ। जी भाई, मैं यहाँ साहिल शाह के खिलाफ स्टेटमेंट देने आई हूँ, उसके सारे काले धंधे का राज खोलने आई हूँ। आपको कैसे भी उसको अरेस्ट करना होगा। अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शमशाद मलिक और मनीष ठाकुर ने सारे ब्लेम अपने ऊपर ले लिए हैं। अब हम साहिल शाह का कुछ नहीं कर सकते, उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। और रही बात आपकी, तो वो लोग तो यही कहेंगे कि आप बस एक सेटअप हैं और कुछ नहीं। कमिश्नर साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे उनके ब्लेम लेने से बोलने से क्या होता है? साहिल का वीडियो एविडेंस हमारे पास, उसने कन्फेस किया है। आप शमशाद को बुलाइए, मैं बात करती हूँ। मुझे पता है मेरे से बात करने के बाद वो पीछे हट जाएगा और साहिल को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। अब प्लीज एक बार तो शमशाद को बुलाइए, आप खुद देख लेना, मुझसे बात करने के बाद उसका मन बदल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक मौका देता हूं। क्या हुआ, तू अकेला कैसे आया? मनीष की माँ कहाँ है? भाई मैं वहां गया था, घर पे ताला लगा हुआ है, कोई नहीं था वहां पर। जब पड़ोसी से पूछताछ की तो पता चला कि मनीष की माँ जल्दबाजी में कहीं गई है, और कहाँ गई है किसी को पता नहीं। ये कैसे हो सकता है? मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि पद्मा ठाकुर ही मुझे बता सकती थी कि मेरे खिलाफ सारी खबर कौन दे रहा है, कौन है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुन्ना एक काम कर। जी भाई। भल्ला उस पर फिर से नजर रखना शुरू कर, कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझे सारी खबर चाहिए, और इस बार अपनी समझदारी मत दिखाना। जी भाई। हाँ साहिल भाई, बोलो ना, बहुत दिनों बाद याद किया आपने। मुझे तुझसे एक काम है, तूने जेल में मेरी बहुत सेवा की है, मुझे यकीन है कि अब भी करेगा। हाँ साहिल भाई, बोल के तो देखिए आप। मुझे पता है कि रमन और ऋषिता चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अगर तू मुझे बताएगा कि वो क्या करेंगे, तो तुझे इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सर ये भी कोई बोलने वाली बात है? मैं पक्का बताऊंगा आपको, पक्का। बहुत बढ़िया। सर, सर साहिल का कॉल आया था मुझे अभी। क्या कह रहा है? सर उसे यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, रमन और ऋषिता जो भी प्लान कर रहे हैं उसकी। What? अगर आपके ऑफिस से ही सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है तो मतलब हेतल सेफ नहीं है। रिलैक्स, विजय मेरे कहने से ही साहिल की मदद कर रहा है, और मुझे अपनी टीम के सभी मेंबर्स पर पूरा भरोसा है। एक्चुअली ये मेरा प्लान था, विजय ने जब साहिल जेल में था तब उससे कुछ पैसे लिए थे और उसे खिलाया पिलाया, उसकी मदद की ताकि वो उस पर विश्वास कर सके, और साहिल हमारे जाल में फंस गया। उसे लगा कि विजय को पैसे देकर मैं कुछ भी काम करा सकता हूँ, और अब विजय साहिल की सभी इन्फॉर्मेशन हमें देगा। सर साहिल ये भी जानना चाहता है कि रमन और ऋषिता की मदद कौन कर रहा है, और इस बात के लिए बहुत बड़ी रकम देने को तैयार है वो। अच्छा तुम रुको, उसे कोई मेडअप स्टोरी बता देंगे। यस सर। अब आपको क्या चाहिए मुझसे? मनीष ने अपना स्टेटमेंट दे तो दिया है, अब मैं अपनी बात से नहीं बदलूंगा। जा रहे तो मुझे कैसे है शमशाद भाई? शाइना भाभी, अब जिंदा हो? हेतल की गवाही ना बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इस बार साहिल अंदर ही चला जाए हमेशा के लिए। सीरियसली, इस बार हम साहिल को किसी भी हाल में बाहर नहीं आने दे सकते हैं। I just hope कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन इतनी आसानी से सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब यही कि क्या
अब तुम्हारे पास पार्टी के यहाँ रहने का कोई रीजन नहीं रहेगा ना। क्यों? क्योंकि तुम तो पार्टी के यहाँ इसलिए रह रहे थे ना, ताकि तुम साहिल से बदला ले पाओ, एंड ऑफ कोर्स मेरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अब तो साहिल जेल चला जाएगा एंड वी विल बी आउट ऑफ डेंजर, तब तो तुम हाँ, ये एक बहुत बड़ी वजह थी मेरे अय्यर आंटी के घर रहने की, बट एक और वजह है मेरे पास जो कि काफी बड़ी है। क्या? तुम नहीं जानती। कमिश्नर सर के ऑफिस पहुंची? हाँ बस हम पहुंच ही रहे हैं, आई थिंक 10 मिनट और लगेंगे, मैं पहुंचते के साथ ही फोन करती हूँ। okay? हाँ ठीक है, बाय। युग का फोन था। तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अय्यर आंटी के यहाँ अब तक क्यों रुका हुआ? मुझे क्या पता। Really? इसे ना कोई और बात करते ना, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मैं साहिल के बारे में सोच रही हूँ। साहिल? ठीक है, फिर हम कोई और बात करते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जब तुम इस सवाल का जवाब दो, तुम्हारा दिल और दिमाग बिल्कुल सही चल रहा हो। मैं जिंदा हूँ। ये कैसे हो सकता है? साहिल भाई ने तो कहा था कि आप मर चुके हो, और वो तो बच्चों की तरह रो रहा था आपकी मौत पर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं तुम दोनों का कोई नया प्लान तो नहीं? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। कोई प्लान नहीं उन लोगों का, उनको मैं यहां पर लेके आई हूं। वो कोई खेल खेल नहीं रहे, मैंने ही उन्हें यहां बुलाया है, और उसी वजह से तुमको यहां बुलाया गया है, ताकि मैं उस आदमी का असली चेहरा तुम्हें दिखा सकूं, जिसके लिए तुम और मनीष सूली पे चढ़ने जा रहे हो। ये सब साहिल का नाटक था, मेरी मौत पे रोने का सब ढोंग था, सब झूठ था। नहीं शहना भाभी, साहिल भाई बहुत प्यार करते तुमसे। अगर वो मुझसे प्यार करते तो क्या वो मुझे जलाते? साहिल भाई ऐसा नहीं कर सकते, आप झूठ बोल रहे हो। ये देखो, चौंक गए? उसने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की है। वो आदमी नहीं, शैतान है, वो किसी का भी सगा नहीं हो सकता। वो तो भगवान मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे बचाया। तुम्हें जलाया? पर भाई ने तो कहा था कि तुम्हारा एक्सीडेंट। झूठ बोला था उसने। देखो मैं तो तुम्हारे सामने हूं ना, ये तो नहीं झूठ हो सकता ना शमशाद। ये लोग बहुत भले लोग हैं, इन्होंने मुझे पनाह दी है, और इन्हीं की जान के पीछे पड़ा साहिल। क्यों? क्योंकि उसके बहन की मौत के लिए, जो खुद नशे का धंधा करती थी, आज भी तुम जैसे और मनीष जैसे ईमानदार लोगों को यहाँ पर वो सड़ने के लिए छोड़ के चला गया, और वो खुद आजाद घूम रहा है। लेकिन मैं उसके इस पाप में भागीदारी नहीं बनूंगी। मैंने इशिता जी को मनीष की माँ के बारे में बताया था, और उन्हीं की वजह से मनीष ने स्टेटमेंट दी, सारा ब्लेम खुद पर ले लिया और तुम्हें भी उसमें खींच लिया। मैंने तो हमेशा आपको बड़ा भाई माना है ना, आपको राखी बांधा है, आज मुझे आपकी बहुत बड़ी हेल्प की ज़रूरत है, ताकि मैं साहिल के सारे गुनाहों की सज़ा दिला पाऊँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? प्लीज़ भाई, इतने दिन जो कुछ भी सहा है मैंने, इतने बुरे दिन देखे, जिल्लत वाली जिंदगी निकाली है मैंने, इतना दुख देखा है, सिर्फ इन लोगों ने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, अब मैं जीना चाहती हूँ भाई, मना नहीं चाहती। साहिल ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसको मुझे सजा दिलाना है भाई। ठीक है, मैं कोर्ट में विटनेस बनूंगा, साहिल के खिलाफ गवाही दूंगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।